हेलो फ्रेंड्स, नी पेन सीरीज के अपने पहले एपिसोड में आज हम डिस्कस करेंगे घुटनों के दर्द के बारे में। घुटने का दर्द हमारे भारत में पांचवी सबसे बड़ी शारीरिक समस्या हो रही है। अगर हम 15-20 साल पहले की बात करते हैं तो ये दिक्कत वृद्धावस्था में देखी जाती थी, लेकिन आजकल ये दिक्कत यंगस्टर में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। इसकी एक मेन वजह यह है कि उनको ज़रा सा भी दर्द होता है तो वो पेन किलर खा लेते हैं। बार बार दर्द की दवा खाने से हमारे घुटने पे क्या असर पड़ता है, घुटने के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और कैसे आप सेल्फ डायग्नोस करके ये पता लगा सकते हैं कि हमारे घुटने में सिर्फ दर्द ही है या और भी कोई दिक्कत है। और जब आपको ये पता चले कि हमारे घुटने में कोई दिक्कत हो रही है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आगे चल के घुटने में आर्थराइटिस डेवलप ना हो या और कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि व्हेन वी टेक प्रिकॉशन क्योर इज नॉट रिक्वायर्ड, जब आप उचित सावधानी बरतते हैं तो आपको इलाज की आवश्यकता नहीं होती है। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर जिशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। सबसे पहले हम अपने घुटने के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमारे घुटने में चार हड्डियां होती हैं। जांग वाली हड्डी जिसको फीमर कहते हैं, नीचे बाहर की तरफ एक हड्डी होती है जिसको टिबिया, और अंदर की तरफ एक हड्डी होती है जिसको फिबुला कहते हैं। ऊपर एक कैप होता है जिसको पटेला कहते हैं। इसमें बहुत सारे टेंडेंस लिगामेंट्स होते हैं जो घुटने को बांधे रखते हैं और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसमें दर्द होने के कई कारण होते हैं, जैसे मेनिस्कस इंजरी होना, लिगामेंट इंजरी होना या कॉन्ड्रोमलेशिया होना, ऑस्टियोपोरोसिस, रिमोटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से भी घुटने में प्रॉब्लम होती है। मोटापा भी इसका एक मेन वजह है। ये विटामिन D3 की डिफिशेंसी की वजह से भी होता है और एक्टिव लाइफस्टाइल ना होने की वजह से भी ये दिक्कत होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक के एक पोजिशन में बैठे रहते हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत ज़्यादा साइकिल चलाते हैं, उनके भी घुटने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप घर पर यह पता लगा सकते हैं कि आपके घुटने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या सिर्फ दर्द ही हो रहा है। तो सबसे पहले आप इस पोजीशन में ऐसे बैठ जाइए। उसके बाद आप ये चेक करिए कि आपके घुटने में कोई सूजन तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि आपका पैर पूरा बेड के लेवल में होना चाहिए, इस तरह से। ये अगर थोड़ा सा भी उठा रहेगा तो आपके घुटने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये आपको समझ जाना है। उसके बाद आप इस तरह से अपना पैर मोड़ करके देखिए और सीधा करके देखिए। अगर इसमें दर्द हो रहा है आपको मोड़ने में या सीधा करने में दर्द हो रहा है तो आपके घुटने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद एक चेक और भी कर सकते हैं कि आप कोई टॉवल का रोल ले लीजिए या तकिया ले लीजिए। उसके बाद अपने घुटने के नीचे ऐसे रख लीजिए और नीचे पुश करके ऐसे देखिए। आपका पैर इस तरह से और इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप इसमें दबाइए, नीचे नीचे की तरफ आपको दबाना है और फिर छोड़ना है, फिर दबाना है, फिर छोड़ना है। इससे आपको घुटने की पावर का पता चलेगा कि इसमें कितनी ताकत है। उसके बाद आपका जो पैर सही है उसमें आप ऐसे लगाकर देखिए, इसको भी आप नीचे की तरफ दबाइए और फिर छोड़िए, फिर दबाइए और फिर छोड़िए। अगर आपको ये फर्क आ गया कि इसमें ताकत कम है और इसमें ताकत ज़्यादा है तो मतलब आपके एक घुटने में प्रॉब्लम हो रही है और आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। ये जो तरीका हमने बताया है ये आप घर पर खुद से ही कर सकते हैं। वैसे एग्जैक्ट कॉज पता करने के लिए डॉक्टर इसमें MRI या एक्सरे करवाते हैं। तो अगर आपको पता चल जाए कि हमारे घुटने में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे अगर आपकी बॉडी का वेट ज़्यादा है तो आप वज़न को कम करिए, क्योंकि अगर वज़न ज़्यादा होगा तो घुटने पे लोड पड़ेगा। अगर 1 किलो भी वज़न आपका ज़्यादा हुआ हाइट के हिसाब से, आपकी लंबाई के हिसाब से, तो घुटने पे 4 गुना ज़्यादा लोड पड़ेगा। जैसे अगर आपकी बॉडी का वेट 5 किलो ज़्यादा हुआ हाइट के हिसाब से तो घुटने पे 20 किलो लोड घुटना ज़्यादा झेलेगा। इसीलिए आप वज़न को कम करिए। दूसरा, जब भी आप एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व रहते हैं तो उससे पहले आप वार्म अप जरूर कर लीजिए, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि लोग तुरंत ही शुरू कर देते हैं, रनिंग शुरू कर देते हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, या जो लोग बैडमिंटन खेलते हैं तुरंत ही शुरू कर देते हैं। तो उससे पहले आप
वार्म अप जरूर कर लीजिए, इससे इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तीसरी बात, कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हमको घुटने के दर्द में वॉक करना चाहिए, टहलना चाहिए या नहीं टहलना चाहिए। तो जब भी आपके घुटने में बहुत ज्यादा दर्द हो, वो किसी भी वजह से हो सकता है, या अर्थराइटिस की वजह से, या रिमोटॉइड अर्थराइटिस की वजह से, या लिगामेंट इंजरी, या कोई भी इंजरी हुई हो, तो उस कंडीशन में जब आपका दर्द बहुत ज्यादा हो, उस कंडीशन में आपको टहलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप उसमें प्रॉपर वे में रेस्ट करिए, और जब आपका दर्द थोड़ा सा ठीक हो जाए, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा टहलना स्टार्ट करिए, और बाद में आप उसको टाइम पीरियड बढ़ा दीजिए। और जब भी आप वॉक करिए तो छोटे छोटे कदम लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे लंबे कदम लेंगे तो घुटने पे लोड पड़ेगा, और जो हमारी जांघ की मांसपेशी होती है, जिसको क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, उसके ऊपर भी लोड पड़ेगा, जिससे आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, दर्द बढ़ जाएगा। और जब भी आप टहलिए, तो अगर आपको आर्थराइटिस की दिक्कत है घुटने में, तो आप नी कैप पहन के ही टहलिए, इससे आपको एक सपोर्ट मिलेगा, एक ग्रिप मिलेगी, और टहलने में आसानी होगी। और एक अच्छी क्वालिटी का जूता पहनिए और फुटवियर का इस्तेमाल करिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गलत साइज का जूता पहनते हैं, जिसकी वजह से भी उनके घुटने में भी दर्द होता है, उनकी इगड़ी में भी दर्द होता है, और यहाँ तक कि उनके कमर में भी दर्द होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट प्रिकॉशन है, अगर आपका सिटिंग जॉब है, आप बहुत देर देर तक एक पोजिशन में बैठे रहते हैं, तो आप कुछ कुछ देर पे ब्रेक ले लीजिए, और ब्रेक लेकर आप टहलिए, इससे आपके घुटने में स्टेबिलिटी बनी रहेगी और फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, और ब्लड सर्कुलेशन होगा, जिससे आपको घुटने में दर्द होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बस पे या ट्रेन पे खड़े होते हैं, तो वो इस तरह खड़े होते हैं एक टांग पे, तो आपको एक टांग पे नहीं खड़े होना है, क्योंकि अगर आप एक टांग पे खड़े होंगे तो बॉडी का सारा वेट एक पैर पे आएगा, जिससे घुटने में दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप इस पोजीशन को बिल्कुल भी अवॉइड करिएगा, इस पोजीशन में बिल्कुल भी ना खड़े होइएगा। नेक्स्ट प्रिकॉशन है, अगर आपकी लाइफ एक्टिव नहीं है, जैसे बहुत से लोग हर वक्त लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, कोई वर्क नहीं करते, इसकी वजह से भी उनको बॉडी में पेन होता है और घुटने में दर्द होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप एक्सरसाइज करिए प्रॉपर वे में, और टहलिए, वॉक करिए, जिससे आपके घुटने में दर्द होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रिकॉशन है, अगर आपके घुटने में दर्द रहता है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है, या और कोई वजह है, तो आप इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिए। उसकी जगह आप कमोड टाइप का स्टूल आता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल होता है, क्या हमको सीढ़ी चढ़ना चाहिए, उतरना चाहिए? तो अगर आपकी कोई मजबूरी है, आपका घर ऊपर है, तो आप चढ़ उतर सकते हैं, लेकिन इसको अवॉइड करिए अगर आपके घुटने में दर्द बहुत ज़्यादा है। और अगर आप चढ़ उतर रहे हैं, तो आप अपने हाथ से रेलिंग को पकड़ के, या कोई पकड़ने वाली चीज़ या रस्सी लगा लीजिए, जिससे हाथ पे प्रेशर देके आप चढ़िए उतरिए। होता यह है कि लोगों को एक घुटने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और दूसरे पैर में कम होती है, दूसरे घुटने में कम दर्द होता है। तो जिसमें आपके दर्द कम है, उसका इस्तेमाल करिए, उससे आप पैर आगे रखिए वो वाला, और उसी से ही चढ़िए उतरिए, इससे आपका जो इसमें दर्द है वो वाला घुटना बचा रहेगा। और सावधानियों के साथ साथ में आपको एक्सरसाइज भी करना प्रॉपर वे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो घुटने के आसपास की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो मजबूत रहेंगी, क्योंकि अगर वो कमज़ोर हो जाती हैं, इसकी वजह से भी घुटने में दर्द होने के चांसेस होते हैं। अगर आपके घुटने में कोई इंजरी हो गई हो, 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर कोई चोट लग गई हो, तो आप वहाँ पे आइस की सिकाई करिए। अगर आपकी दिक्कत पुरानी है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है, या घुटने में सिर्फ दर्द ही रहता है, तो आप वहाँ पे हॉट फॉर्मेंटेशन ले सकते हैं। और अपने घुटने को एसी की हवा और कूलर की हवा से बचाइए। अगर आप उसके सामने बैठेंगी, अगर ये हवा इस पर डायरेक्ट लगेगी ठंडी, तो इसमें स्टिफनेस भी बढ़ेगी घुटने में, और दर्द भी बढ़ेगा। तो उसके लिए आपके पास कोई सूती दुपट्टा हो या क्रैप बैंडेज हो, तो उसको आप इस तरह से बांध दीजिए। हमारे पास टॉवल है, तो हम टॉवल से बता दे रहे हैं। इसको आप हल्के ऐसे रैप कर लीजिए, इससे इसमें गर्माई बनी रहेगी, इसमें ठंडी हवा नहीं लगेगी, तो दर्द होने के चांसेस कम रहेंगे। और आखिरी बात, आपको इस पोजीशन में चौकड़ी मार के, पलथी मार के, या क्रॉस सिटिंग में बिल्कुल भी नहीं बैठना है। उसकी एक मेन वजह यह है कि जब आप इस तरह से बैठते हैं, तो आपका एक पैर दूसरे पैर के ऊपर है, और आपका पैर दोनों तरफ का मुड़ा हुआ है, और इसमें टेंडेंस जो होते हैं, इस तरफ के लिगामेंट्स जो होते हैं, वो पूरी तरह से खींचते हैं, जिससे दर्द बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपका घुटना सेफ रहे, आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ना हो, तो आप इस तरह से बिल्कुल भी मत बैठिए। इससे आपका घुटना बचा रहेगा, सेफ रहेगा। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात की कि जब आप दर्द की दवा खाते हैं तो आपके घुटने पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम उस समय की बात नहीं कर रहे हैं जब आपको दर्द बहुत ज़्यादा हो, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन लोगों को बार बार दर्द होता है और वो बार बार दर्द की दवा खाते हैं। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं और नॉसिसेप्टर नर्व्स होती है, जिनका काम कॉर्टेक्स तक, ब्रेन तक दर्द का एहसास, दर्द का मैसेज पहुंचाना होता है। दर्द की दवा खाने से दिमाग तक मैसेज नहीं पहुंच पाता, दर्द का एहसास नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हमको दर्द की फीलिंग्स नहीं आती, दर्द का एहसास नहीं होता, लेकिन घुटने की कंडीशन वैसे ही रहती है, घुटना जस का तस बना रहता है। इससे घुटने पर कोई असर नहीं पड़ता है। इनमें कुछ लोगों को लगने लगता है कि हमारा घुटना बिल्कुल ठीक हो गया है और वो अपनी एक्टिविटी और जारी रखते हैं, बल्कि कुछ लोग तो इसको बढ़ा देते हैं, जिससे घुटना डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करिए कि आप प्रिकॉशंस का लीजिए, सावधानी बरतिए, प्रॉपर वे में एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए और कैल्शियम रिच डाइट लीजिए। इससे आपका घुटना बचा रहेगा, सेफ रहेगा। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए या इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।